करता पुरख निरपौ निर्वैर। क्या है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, क्यों है ये सिख धर्म के लोगों के लिए इतना खास और क्या है इस गुरुद्वारे का इतिहास, आइए जानते हैं। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने 16 सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया। इसी गुरुद्वारे की जगह पर गुरु नानक देव जी ने अपना देह 22 सितंबर 1539 को छोड़ा था, जिसके बाद गुरुद्वारा साहिब बनाया गया। तो आइए जानिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। करतारपुर साहिब के लिए आपके पास पासपोर्ट होना एक मैंडेट है। इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप अपनी ट्रैवल डेट से 14 दिन एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आएगी अपने फ़ोन एंड ईमेल आईडी पे दैट यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा एंड क्लियरेंस के बाद ईटीए जनरेट होता है। ईटीए कंफर्मेशन का मैसेज डे ऑफ ट्रैवल से 4 दिन पहले आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। इसके अलावा मेक श्योर यू आर कोविड वैक्सीनेटेड। ऑन द डे ऑफ ट्रैवल सबसे पहले आपको डेरा बाबा नानक आना पड़ेगा, जहां पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर लोकेटेड है। एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप कैरी करें ट्रैवल वाले दिन, आपका पासपोर्ट, ईटीए की हार्ड कॉपी एंड ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ आरटीपीसीआर रिपोर्ट। इसके अलावा अराइवल पे आपको $20 फीस भी पे करनी होगी एट पाकिस्तान इमिग्रेशन। एंड ये है पहला चेक पॉइंट, जहाँ पे आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड गाड़ी की थॉरो चेकिंग होगी। सब का सर अलग अलग रखो, आगे फिर चेक करेंगे। चेक करेंगे ईटीए फॉर्म और कोविड टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है फिर, सब का अलग अलग कर लो। मम्मी दे दो। इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद हम इंडियन साइड ऑफ इमिग्रेशन की ओर पहुंचे, जहां हमने गाड़ी पार्क की आफ्टर पेइंग 50 रुपीज। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज के बाद आपको ये बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान बॉर्डर तक लेके जाएगा। और ये हमने एंटर किया पाकिस्तान, जहां पर यात्रियों के लिए बस खड़ी हुई थी जो सभी पिलग्रिम्स को पाकिस्तान इमिग्रेशन तक लेके गई। इस इमिग्रेशन टर्मिनल में पहुंचने के बाद आपसे $20 लिए जाएंगे एज फीस
एंड यहीं से आप अपनी करेंसी भी कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू पाकिस्तान करेंसी टू डू एनी काइंड ऑफ शॉपिंग। इस टर्मिनल से गुरुद्वारा साहिब का डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर जो आप बाय बस या पैदल चलकर भी कर सकते हैं। अगर आप पैदल ये रूट फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये बस इन बिटवीन नहीं रुकेगी। कुछ और बातें आप जरूर याद रखें इस पवित्र स्थान की यात्रा से पहले। पर इंडिविजुअल आप मैक्सिमम करेंसी इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू 11,000 से ज्यादा नहीं कैरी कर सकते, विच इज अ लिमिट सेट अप बाय आरबीआई। पर पर्सन यू आर अलाउड टू कैरी अ बैग दैट शुड नॉट वे बियॉन्ड 7 किलोग्राम्स। ETA डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड होता है इज ओनली वैलिड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सो यात्रियों को सेम डे वापसी करनी होती है। आपको ये परमिट श्री करतारपुर साहिब के लिए ही मिलता है, इसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते। ये कॉरिडोर ऑपरेशनल होता है थ्रू आउट द ईयर। और ये दिखा हमें गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का वेलकम बोर्ड। कुछ कदम और चलने के बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा साहिब की एंट्री पर। ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना,
सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल जिस पास बैठिया सोई है सब नादारे सनक सनक महेश समाना शेख नाग आप ये अमृत जल यहाँ प्रसाद की तरह पी सकते हैं एंड अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं। ये होली वाटर अपने साथ लेके जाना अलाउड है एंड आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतिहास अनुसार 1521 पहली पातशाही साहिब श्री नानक देव जी महाराज 52 साल का जीवन बतीत करने तो बाद जगत को तारदिया होया संसार के हल वरतदिया होया पहली दफा इस धरती से पहुंचे इस धरती को भाग लगाए इस धरती से हल लवाए फसल उगाई अपने हथे संगत लंगर छकाए 1521 दूसरी पातशाही
भाई लैणा जी साहब श्री अंगद देव जी महाराज 1800 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन एंड कुछ टाइम कीर्तन सुनने के बाद हम लंगर हॉल की ओर बढ़े। लंगर हॉल से कुछ कदम दूर ही है ये पाकिस्तान की मार्केट। यहाँ पे आप पाकिस्तानी जूती, सूट, कुर्ते, पजामे एंड खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं एंड ये सभी सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक इसी मार्केट के साथ मेडिकल सेंटर भी है। ये है पाकिस्तान साइड ऑफ एंट्री जहाँ से पिलग्रिम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंट्री लेते हैं एंड गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। पाकिस्तानी पिलग्रिम्स को मिलते हैं ब्लू यात्री कार्ड एंड इंडियंस के लिए है येलो यात्री कार्ड जिन्हें इस सिंगल डे ट्रिप में डालना मैंडेट है। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे ये बाबा जी के बाग जहाँ खेती बाड़ी होती है एंड आपको अनेकों खजूर के पेड़ दिखेंगे। तो ये हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स बाय 30 मिनट्स। तो आप पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 4:30 या पहले एग्जिट लें गुरुद्वारा साहिब से। 4:30 इज द लास्ट बस टू द इमिग्रेशन टर्मिनल। करतारपुर साहिब इज क्लेम टू बी द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड।